जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों अगर स्विफ्ट में सीएनजी में बात की जाए सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की, तो सामने है दोस्तों वीएक्सआई वेरिएंट सीएनजी में स्विफ्ट का। दोस्तों सबसे शानदार और सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, सभी जरूरत की चीजें आपको इसमें मिल जाती हैं। तो आज इस वीडियो में देखने वाले हैं हम कि आपको क्या क्या इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलेगा, क्या फीचर्स मिलेंगे और आपकी जरूरत की सभी चीजें कंप्लीट होती हैं या नहीं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों सामने है स्विफ्ट का VXI वेरिएंट सीएनजी में। दोस्तों सबसे पहले इसकी एक्सोरूम बात कर लें तो 7,85,000 रुपये में ये आपको एक्सोरूम पड़ती है। इंजन की बात करें तो 1197 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन आपको गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। और पावर दोस्तों ये जनरेट करता है 76.43 BHP की और 98.5 Nm का टॉर्क। दोस्तों सबसे बड़ी अच्छी चीज़ क्या है इसकी कि इसका जो माइलेज है दोस्तों 30 किलोमीटर पर किलोग्राम का ARI माइलेज कंपनी क्लेम करके देती है। यहाँ आपको लेंथ की बात करें तो 3835 mm की लेंथ आपको देखने के लिए मिलेगी, चौड़ाई 1735 mm की मिलती है और ऊंचाई की बात करूँ तो 1530 mm आपको यहाँ देखने को मिलेगी। गाड़ी का व्हील बेस है दोस्तों 2450 mm का। तो ये है कुछ इसके स्पेसिफिकेशंस। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि फ्रंट में आपको क्या मिलता है। तो फ्रंट में दोस्तों वही जाना पहचाना आपका लुक मिलने वाला है। दूसरी चीज यहाँ पे रिफ्लेक्टर बेस्ड आपको हेडलैम्प और इंडिकेटर यूनिट मिलने वाली है। नीचे की तरफ फॉग लाइट नहीं मिलेगी, चाहे तो आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। बीच में यहाँ पर स्विफ्ट की दोस्तों सिग्नेचर ग्रिल मिल जाती है, यहाँ पर सुजुकी का लोगो और यहाँ पर क्रोम का थोड़ा सा टच देखने के लिए मिल जाएगा। साइड प्रोफाइल की बात करें VXI वेरिएंट में दोस्तों ORVM आपको बॉडी कलर में मिल जाएगा, साथ में उसी के ऊपर टर्न इंडिकेटर कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। दोस्तों गाड़ी के अंदर जो है की के साथ जो रिमोट की आती है वही आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर कोई भी डोर रुककर सेंसिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है। पीछे की तरफ ओपन करने के लिए यहाँ से आपको ओपन होता है और यहाँ देखें तो दोस्तों यहाँ से आप CNG फिल कर सकते हैं इसमें। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी चीज यहाँ पर सेफ्टी नहीं है बिल्कुल भी। फ्यूल कैप में CNG फ्यूल फिलिंग कैप में सेफ्टी नहीं है दोस्तों, कोई भी लॉक नहीं है। आप इसे चाहें तो ऐसे ही खोलें और यहां से CNG फिल करवाएं। हालांकि यहां पे लॉक में कैप देना चाहिए था जो काफी सेफ्टी दे देता। CNG यहां पर देखिए CNG की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, 55 लीटर का CNG टैंक है दोस्तों इसके अंदर। और पीछे की तरफ देखें टेल लाइट, तो टेल लाइट कुछ LED बेस्ड आपको ऐसी मिल जाएगी जानी पहचाने से लुक में। 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं, 1, 2, 3, 4। बीच में यहाँ पर S मिल जाता है सुजुकी का साइन लोगो और यहाँ स्विफ्ट लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पीछे भी देख सकते हैं तो CNG लिखा हुआ मिल जाता है स्पॉइलर पे। तो यहाँ पे एक LED लाइट मिल जाती है, ऊपर की तरफ आपको मिल जाता है एंटीना। पेट्रोल टैंक की बात करें तो 37 लीटर मतलब 37 लीटर का पेट्रोल टैंक आपको देखने के लिए मिल जाता है। और अब यहाँ पर टायर साइज देख लेते हैं, तो टायर साइज है दोस्तों 165/80 की प्रोफाइल के साथ 14 इंच का दोस्तों स्टील रिम देखने के लिए मिलता है। पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक मिल जाता है लेकिन आगे की तरफ मिल जाता है डिस्क ब्रेक। तो ये है कुछ इसका दोस्तों एक्सटीरियर प्रोफाइल। अंदर देख लेंगे अंदर आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा इस वाले वेरिएंट में। तो अगर डोर पे देखें दोस्तों तो यहाँ पर सब कुछ दोस्तों पूरा ब्लैक फिनिश आपको मिलने वाला है। और थोड़ी सी गर्मी ज्यादा है दोस्तों, गाड़ी में खोल देता हूँ ताकि गर्मी निकल जाए। ठीक है, डोर पे देखें तो यहाँ पर चारों पावर विंडो मिल जाती है। रियर विंडो को दोस्तों लॉक अनलॉक करने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पर दोस्तों लॉक अनलॉक मिल जाता है। ORVM दोस्तों इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल तो है लेकिन इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल नहीं है। डोर हैंडल क्रोम में मिल जाता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ब्लैक फैब्रिक की कुशनिंग देखने को मिलेगी। बोटल होल्डर यहाँ मिल जाएगा, मैप पॉकेट यहाँ और 1, 2, 3, 4 मतलब 4 स्पीकर आपको गाड़ी में देखने के लिए मिलेंगे ट्यून्ड इन म्यूजिक सिस्टम के साथ। अंदर का प्रोफाइल देखें तो अंदर का प्रोफाइल कुछ इस तरीके का दिखेगा। आगे की दोनों सीटों में दोस्तों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। और अंदर बैठकर देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर CNG और पेट्रोल को चेंज करने के लिए एक स्विच मिल जाता है। ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट एडजस्टेबल देखने के लिए मिल जाएगा। अब आते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, तो कुछ इस तरीके का स्पोर्टी लुक का आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। यहाँ पर आपको टैकोमीटर और यहाँ पर दोस्तों स्पीडोमीटर मिल जाता है देखने के लिए, दोनों ही एनालॉग में मिलेंगे। बीच में एक MID मिल जाती है, MID में बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इस वेरिएंट में दोस्तों एक चीज और, यहाँ पर जो स्टीयरिंग व्हील है ना उस पर वॉल्यूम के कंट्रोल्स मतलब म्यूजिक सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए कंट्रोल्स और टेलीफोनिक कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और स्टीयरिंग के अंदर आपको मिलता है टिल्ट का ऑप्शन। यहाँ पर देखें तो AC वेंट्स तो इसमें राउंड शेप में ही कुछ इस तरीके से मिल जाते हैं। और यहाँ पर ये है दोस्तों थोड़ा सा
बदलाव इसमें। यहाँ पर जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम है, यह है तो ट्यूडिन, लेकिन दोस्तों देखने से ऐसा लुकवाइज लगता है कि यहाँ पर 7 इंच का आपको इन्फोटेनमेंट सिस्टम मतलब टच स्क्रीन लगी हुई मिल रही है, लेकिन टच स्क्रीन नहीं है दोस्तों। यहाँ एक छोटी सी MID देख सकते हैं, तो ट्यूडिन म्यूजिक सिस्टम ही मिलने वाला है। यहाँ पर AC कंट्रोल्स जो है दोस्तों मैनुअली ऑपरेटेड मिलने वाले हैं, और यहाँ नीचे की तरफ एक USB और ऑक्स के लिए मिल जाता है, और एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। यहाँ पर दो कप होल्डर देखने के लिए मिलेंगे। 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। गियर लीवर उसको भी दोस्तों यहाँ पर सिल्वर से थोड़ा सा गार्निश किया गया है, जो काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर पार्किंग ब्रेक है, पार्किंग ब्रेक का जो बटन है वो क्रोम में आपको देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पर अगर देखें तो ग्लो बॉक्स कुछ इस तरीके का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। डैशबोर्ड पे यहाँ पर एक सिल्वर टच देखने के लिए मिल जाएगा। एक एयर बैग आपको दोस्तों पैसेंजर साइड में मिलता है, और एक एयर बैग ड्राइवर साइड में मिल जाता है। ऊपर की तरफ देखें तो डे नाइट वाला आपको IRVM देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर एक लाइट मिल जाती है येलो कलर की, यहाँ माइक मिल जाता है। ड्राइवर साइड में देखें तो टिकट होल्डर मिल जाता है, और पैसेंजर साइड में देखें तो छोटा सा वैनिटी मिरर मिल जाएगा सनसेट के अंदर ही। यहाँ पर जो ग्रैब हैंडल है वो कुछ इस तरीके से सॉफ्ट टच के साथ मिलने वाला है। तो ये है कुछ इस तरीके का आगे का इसका फ्रंट कैबिन का प्रोफाइल। अब चलते हैं रियर कैबिन में, वहां आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों रियर डोर को खोलने के लिए यहां से हम ऑपरेट करते हैं इसे ऊपर से, और यहां देखिए यहां पर पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है। यहां एक छोटा सा बोल्टर होल्डर मिलेगा, साथ में स्पीकर मिल जाता है। डोर हैंडल वही क्रोम में मिलने वाले हैं, और पीछे का स्पेस कुछ ऐसा मिलेगा। यहां पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलेगा इन सीट्स के अंदर। और बैठकर देखें तो यहाँ पर दोस्तों पीछे की तरफ ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ आपको पीछे रियर AC वेंट्स भी नहीं मिलेंगे, और पीछे से देखने पर आपको डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ठीक ठाक है दोस्तों। अब देखेंगे कि इसके बूट में आपको कुछ स्पेस मिलेगा या फिर CNG सिलेंडर ने पूरा घेर रखा है। तो देख लेते हैं बूट स्पेस। यहाँ देखिए दोस्तों सॉफ्ट ओपनिंग के साथ, यहाँ दोस्तों पार्सल ट्रे जो है वो निकली हुई है। पार्सल ट्रे को लगाने के बाद दोस्तों ये लीजिए लग गई। उसके बाद यहाँ पर 55 लीटर की कैपेसिटी का दोस्तों आपको CNG सिलेंडर मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये है इसे मैं निकाल के एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पर जो स्पेयर व्हील है दोस्तों, उसे एक्सेस करने के लिए बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। आपको बस ये लीवर को इस तरीके से ऐसे उठाना है, और ये देखिए ये लूज हो गया, और आराम से आप इसे निकाल सकते हैं। और उसके बाद अगर लॉक करना है तो कुछ इस तरीके से नीचे दबा दीजिए तो ये लॉक हो गया। तो यहाँ पर कुछ ऐसा मिल जाता है। स्पेस की बात करूँ तो स्पेस तो दोस्तों बहुत ही बमुश्किल मिलने वाला है गाड़ी के अंदर। पीछे की तरफ तो स्पेस है ही नहीं, तो ये थोड़ी सी यहाँ पर समस्या वाली बात है। कि हालांकि अब जानते हैं कि दोस्तों जब CNG लेना है तो फिर इसमें स्पेस कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ये पूरी तरह से कवर मिल जाता है टेलगेट, तो ये एक अच्छी चीज है कि टेलगेट आपको यहाँ पर कवर मिल रहा है। तो ये थी एक दोस्तों वीडियो स्विफ्ट के CNG VXI वेरिएंट की। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।